नमः परमहंसास्वादि चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीषाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध का छठवां अध्याय पूर्ण हुआ। देखिए इस स्कंध में प्रारंभ में श्रीधर स्वामी ने बताया था कि इसमें उद्देश्य और लक्षण के द्वारा श्रीमद्भागवत का स्वरूप बताया जाए, तो अभी इसको जो हम सुन रहे हैं इस श्रवण के द्वारा श्रीमद्भागवत की पहचान हो रही है। पूर्व के तीन अध्यायों में श्री सुखदेव भगवान के द्वारा महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दिया गया, म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर तीन अध्याय में सांगोपांग दिया गया। संसार की आसक्ति, सांसारिक विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए और सर्वात्मा भगवान श्री हरि का ही श्रवण मनन कीर्तन स्मरण करना चाहिए, यह साधन का उपदेश है। इसके बाद चतुर्थ अध्याय में महाराज परीक्षित ने अपनी समग्र चेतना को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और जो थोड़ा बहुत संसार परिवार राज्य आदि के प्रति राग था उस राग को ममता को त्याग दिया। द्रूढ़ां ममतां जहाउ, अब पूरी तरह से भगवान में स्थित हो गए और फिर नए सिरे से पूछा कि भगवान कैसे संसार को बनाते हैं, उपसंहार करते हैं, पालन करते हैं, माया के गुणों को एक साथ ग्रहण करते हैं कि क्रमशः ग्रहण करते हैं, यह मुझे जिज्ञासा है। इस प्रश्न के उत्तर में मंगलाचरण करके भगवान सुखदेव जी ने ब्रह्मा और नारद का संवाद सुनाया। तीन अध्याय में संवाद है, पांच छह सातवां अध्याय अभी प्रारंभ हो रहा है। तीन अध्याय में वह संवाद प्रस्तुत किया गया कि भगवान कैसे संसार की रचना करते हैं, संहार करते हैं और पालन करते हैं, और इसके उत्तर में जो कुछ भी प्रतिपादन किया गया यही तो श्रीमद्भागवत का स्वरूप है। श्रीमद्भागवत इस रूप में ग्रहण करना है, देखना है, समझना है। अब पिछले अध्याय के अंत में श्री ब्रह्मा जी ने पहले यह कहा, नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान परमेश्वर परमात्मा का काल से लेकर के मन इंद्रियां हम तुम तुम्हारे बड़े भाई शिव जी देवता असुर सब गिना दिया, सारा सृष्टि इस रूप में भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। कोई लीला अवतार है,
कोई आवेशावतार है आदि के रूप में वर्णन करके फिर उपक्रम किया कि अब हम तुमको भगवान के सात्विक अवतारों का वर्णन करेंगे, जिनको सुनने से दूसरे संसार की वार्ताओं के सुनने से जो कानों में पाप आ गया है, कलमश आ गया है, वह साफ हो जाएगा, धुल जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए अब हम तुमको भगवान के शुद्ध सात्विक लीला में रक्षा करने वाले अवतार चरित्रों का वर्णन करेंगे, ये उपक्रम कर दिया। और अब वही सप्तम अध्याय में उपक्रम के अनुसार वर्णन करने जा रहे हैं और अंत में 10-12 श्लोकों में उत्तर का उपसंहार कर दिया जाएगा। आप देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं सप्तमी भगवत लीला अवतारा ब्रह्मोदिता। आगे आने वाले सातवें अध्याय में श्री भगवान के लीला अवतार कहे गए हैं, 24 अवतार। नारदाय तु तत्कर्म प्रयोजन गुणैः, तो भगवान के तत्त्व अवतारों का उल्लेख एक, और अवतार लेकर के भगवान ने कर्म क्या किया दो, और प्रयोजन कौन सा था, किस प्रयोजन की सिद्धि हुई, तीन तीन बातें प्रत्येक अवतार के साथ में वर्णन करने जा रहे हैं। और देखिए, भगवान के अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में, द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में, और इसी तरह से 11वें स्कंद के नव योगेश्वर संवाद के प्रकरण में भी भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। एक बात ये, और दूसरी बात यह है कि श्रीमद् भागवत में भगवान की स्तुतियां व्याप्त हैं, भरी पड़ी। तो स्तुति प्रकरण और भगवान के लीला अवतारों का प्रकरण, श्रीमद् भागवत का विस्तार यही है। इसलिए इन लीलावतारों को बड़ी सावधानी से, बड़ी सघनता से सुनना चाहिए। और अब कहते हैं मूल ब्रह्मवाच, यत्रोद्यदक्षिततलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलयज्ञमयी मनन्तः अन्तर्भवार्णौ उपागतमादिदैत्यम् तं दंशयाद्रमिव वज्रधरो ददार। श्री ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्मा जी ने पीछे अपने बारे में कहा है कि मैं प्रेम पूर्ण उत्कंठा पूर्वक भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहता हूं, इसलिए मेरे मुख से कभी मिथ्या बात नहीं निकलती, मन में कोई मिथ्या संकल्प नहीं आता, इंद्री मेरी कहीं भी विपरीत मार्ग में नहीं जाती। तो भगवान के लीलावतारों का है ना मनोयोग के पूर्वक समाहित होकर के श्रवण करना बड़े महत्व की वस्तु है। इसलिए अपने भगवत प्रेम में डूबे हुए हृदय वाले ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम अवतार का उल्लेख कर रहे हैं। यत्र माने यदा, जिस समय 3रे स्कंद में यह लीला भगवान की आई हुई है। यत्र यदा क्षित तलोद्धरणाय क्रौडीम तनुम बिभ्रत, भगवान जिस समय भगवान ने पृथ्वी तल का उद्धार करने के लिए रसातल में गई हुई पृथ्वी को पुनः
ऊपर लाने के लिए उद्यत हुए थे, और तब अनंत भगवान ने वाराह का शरीर धारण किया था, क्रोडीन तनुं विभ्रत किसने धारण किया था, अनंत, अनंत भगवान का विशेषण है चाहे नाम है, अनंत भगवान ने पृथ्वी तल का उद्धार करने के लिए जिस समय वाराह शरीर धारण किया था, वह वाराह शरीर क्रोडी तनु कैसा है, सकल यज्ञ मयीम, भगवान के उस विग्रह में सारे यज्ञ मौजूद हैं। आगे तीसरे स्कंद में ऋषि लोग भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान जब बारह भगवान समुद्र में डूब करके पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तो गीले शरीर से जल चू रहा था, तो जनलोक के निवासियों ने अपने को कृतकृत्य माना, पवित्र कर लिया। भगवान के मंगलमय विग्रह से गिरती हुई जल की बूंदें जनलोक निवासी ऋषियों के शरीर में पड़ करके उनको पवित्र कर रही हैं। फिर स्तुति वहां बड़ी भावमय स्तुति की गई है, भगवान के बारह भगवान के अंग प्रत्यंग सारे तत्त्व वेद के उपकरण है, उनका मुख, उनके चरण, उनके रोए, उनकी पूंछ, नेत्र, सब के वर्णन है। इसलिए भगवान का यह विग्रह सकल यज्ञमय है। वेदों में जितने यज्ञ बताए गए हैं साधन के रूप में तत्त्व फल प्राप्त कराने के लिए, वह सारा स्वरूप भगवान का, सब भगवान के बारह स्वरूप में मौजूद है। तो ऐसी सकल यज्ञ मयीम मन क्रौडीम तनुम विभ्रत अनंत यत्र क्षेत्र तलो धरणाय उद्यतः, जिस समय अनंत भगवान पृथ्वी तल का उद्धार करने के लिए उद्यत हो रहे, उद्यत हुए थे, उस समय उन्होंने सर्व यज्ञ में बारह शरीर धारण किया था, और धारण करके क्या किया, अंतर महार्णव उपागत मादि दैत्यम, उस महान जलाशय महान अर्णव समुद्र के भीतर वहीं से जाकर के पृथ्वी को ढूंढ करके लाए थे ना रसातल से, तब तक आदि दैत्यम उपागतम, आदि दैत्य हिरणाक्ष आ गया, हिरणाक्षण कश्यप द्वितीय माँ के पुत्र थे ना, तीसरे स्कंद में प्रसंग आया है, उपागतम समीपे आगतम, वो तो युद्ध करने के लिए आया था, जब वहां गया वरुण के लोक में और वरुण को ललकारा, मुस्कुराते हुए उनसे बड़ी बातें की, तो वो वरुण जी ने कहा कि भाई अब तो हम बड़े वृद्ध हो गए हैं, अब हौसला नहीं है युद्ध का, और तुम जो है नए नए योद्धा हो, चले जाओ, भगवान तुमको तृप्त कर देंगे। तो उनकी बात सुन करके आया था वह हिरणाक्ष कि उनसे निपटेंगे देखेंगे, और तो कोई सामने आज तक आया ही नहीं। तो उपागतम आदि दैत्यम तम आग उपागतम आदि दैत्यम वज्रधर अद्रिम इव दर्शया तम ददार, वज्रधर धारण करने वाले इंद्र, देवराज इंद्र जैसे पर्वतों को काट डालते थे वज्र के द्वारा, है ना, पहले कभी पर्वत उड़ा करते थे, उससे प्राणियों को बड़ा खतरा था, डरे रहते थे, देवताओं से प्रार्थना किया, देवताओं ने देवराज इंद्र से प्रार्थना किया, तो उनका अच्छा हम इनको इनके पंख काट डालेंगे, तो वज्र लेकर के पंख काट डाले थे इंद्र ने, जैसे वैसे ही उस आदि दैत्य हिरणाक्ष का भगवान ने दाढ़ों के द्वारा उसको उसको फाड़ डाला, उद्धार कर दिया। ठीक है, यत्र माने यदा, यदि प्रल प्रत्यय देश अर्थ में होता है, किंतु यह काल अर्थ में भी होता है,
इसलिए व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, यत्र माने जहां नहीं, यदा जप क्षित तलो उद्धारणार्थम, पृथ्वी तल का उद्धार करने के लिए, समुद्र के ऊपर ठहराने के लिए, प्राणियों की उत्पत्ति करने के लिए, वाराहीम तनु बिभ्रत प्रौढ़ीम तनु माने बाराह की तनु धारण किया, उद्यतः उद्यत हो गए थे, अनंतस तदा तम सुप्रसिद्धम घृणाक्षम दर्शया ददार, उस समय प्रसिद्ध हिरणाक्ष नाम के दैत्य को भगवान ने दाढ़ों के द्वारा उसका उसको फाड़ डाला, उद्धार कर दिया। और बाकी विशेषण श्लोक में जो आए हुए हैं वे आसान समझ करके श्रीधर स्वामी ने छोड़ दिया। इसके बाद दूसरा अवतार देखिए, जातो रुचे अजनयत स्वयमान सुयज्ञ आकूति सूनु अमरा नथ दक्षिणायाम लोकत्रयस्य महती महाराध्यदार्तिम स्वायं भुवे नमनुना हरिवित्यनुक्तः। भगवान के दूसरे अवतार का उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, रुचे जातः भगवान सुयज्ञः, रुचि नाम के प्रजापति, आकूति नाम की पत्नी में सुयज्ञ नाम से भगवान अवतरित हुए, और उन सुयज्ञ भगवान ने रुचि से अवतार लेकर के सुयमान सुयम नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया, है ना। सुयज्ञ भगवान ने सुयम नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया तो पत्नी कौन सी थी, दक्षिणायाम। आकूति सूनु अमरा नथ दक्षिणायाम, आकूति महाराज मनु की पुत्री थी, उनके पुत्र हुए थे सुयज्ञ भगवान रुचि से, और उन्होंने फिर सुयम नाम के देवताओं को दक्षिणा नाम की पत्नी में उत्पन्न किया। वे सब देवता थे सुयमान अमरान, दोनों में द्वितीय बहुवचनांक। तो ये तो भगवान का अवतार हो करके और भगवान के द्वारा सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया गया, और क्या कार्य किया गया, लोकत्रयस्य महतीम आराध्यदार्तिम, तीनों लोकों की आरती माने खेद दुख हरण किया, देवताओं को उत्पन्न करके देवताओं जैसा कृत्य करके तीनों लोकों के रक्षक तो इंद्र हैं, किंतु इंद्र के बस का नहीं था मामला उस समय, इसलिए इंद्र के सहयोगी बन करके इन भगवान ने तीनों लोकों के दुख को हरण किया। और इसीलिए यदार्तिम अहरत, इन भगवान ने अपने पुत्र देवताओं के साथ तीनों लोकों का दुख दूर किया, इसलिए स्वयंभू मनु ने स्वयंभुवेन मनुना हरित्यनुक्तः, सुयज्ञ नाम तो भगवान का था ही और अब हरि नाम कर दिया, क्योंकि हरि शब्द का अर्थ होता है दुखानि पापानि वा हरतीति हरि। तो तीनों लोकों के दुखों को भगवान ने हरण किया सुयज्ञ भगवान ने, इसलिए मनु महाराज ने जो नाना थे उनके, उन्हीं की कन्या से तो भगवान प्रकट हुए थे रुचि नाम के प्रजापति के द्वारा, तो उन माने भगवान के नाना ही थे, पुत्री के पुत्र दौहित्र थे, तो अपने नाना के द्वारा मनु के द्वारा उनका नाम रख दिया गया हरि। क्यों रख दिया गया, क्योंकि तीनों लोकों का दुख इन्होंने दूर कर दिया था। ठीक है, यज्ञावतार माह कहते हैं कि
रुजे प्रजापते सकाशात तद भार्यायाः आकूतेः सूनु सुतः सुयज्ञो नाम जातः। रुचि प्रजापति के सकाश से उनकी पत्नी कौन थी? आकूति। उन आकूति और रुचि से जो पुत्र हुए उनका नाम सुयज्ञ हुआ, सुयज्ञो नाम जाता है। और उन सुयज्ञ भगवान ने सच स्वभार्यायाम दक्षिणायाम, उन्होंने अपनी पत्नी दक्षिणा में स्वयमान देवान अजनयत स्वयं नाम के देवताओं को प्रकट किया, जन्म दिया। और वे ही सुयज्ञ भगवान, उनके पुत्र तो देवता बन गए, और सा एवेन्द्र सन, और भगवान इंद्र की तरह से बन गए, इंद्र ही हो गए, क्योंकि इंद्र ही तीनों लोकों का रक्षण करते हैं। तो सा एव इंद्र सन यदा आरतिम आहरत, जब इंद्र का रोल अदा करते हुए तीनों लोकों का दुख भगवान ने हरण कर लिया, तदा पूर्वम सुयज्ञ इत्युक्तोपि, तब पहले उनका नाम सुयज्ञ तो था, अत्यनुपश्चान मनुना माता महेन हरि इत्युक्तः, किंतु पीछे उन्हीं भगवान के माता मह नाना मनु जी ने हरि यह नामकरण कर दिया। अनेन देवोत्पादनम, तो भगवान की अवतार का कार्य बता रहे हैं श्रीधर स्वामी कि इस अवतार के द्वारा भगवान ने देवों को उत्पन्न किया, स्वयं नाम के पुत्रों को, और लोकत्रयातिहरणम च, तीनों लोकों के दुख का हरण करना, तस्य कर्म दर्शितम, उन भगवान के कर्म दिखाए गए। एवं सर्वत्र अवतारस्तत्कर्म च गेयम्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बार बार हम कहां तक कहेंगे, सभी अवतारों में तीन चीजें समझ लेना चाहिए, भगवान का अवतार, उनके कर्म और प्रयोजन। इसके बाद भगवान का तृतीय कपिला अवतार बताने जा रहे हैं। यज्ञे च कर्दम गृहे द्विजदेव भूत्याम स्त्रीभिः समं नवभिरात्म गतिं समात्रे ऊचे ययात्म समलं गुणसंग पंको मस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। श्री भगवान के तीसरे अवतार में कहते हैं, द्विज संबोधन है नारद जी के लिए, ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं ना, हे नारद जी, इसके बाद भगवान कर्दम ऋषि के घर में, उनकी पत्नी देवी देवहूति थी, देवहूति माँ से स्त्री भी समम नव भी, पहले नव बहने उत्पन्न हो चुकी थी, तीसरे स्कंद में भी प्रसंग है। तो नव जो स्त्री बने बहन के रूप में देवहूति देवी से प्रकट हो गई थी, अंत में भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए थे। तो नव भी स्त्री भी समम यज्ञ, ये तो भगवान का अवतार हो गया। और कृत्य क्या किया? आत्मगतिम समात्रे, आत्मगति मैंने अपनी माता के लिए आत्मज्ञान प्रदान किया भगवान ने, कपिल भगवान ने। समात्रे आत्मगतिम ऊचे उपदिदेश, अपनी माँ को का कल्याण करने के लिए आत्मज्ञान का उपदेश किया। तो उपदेश पा करके क्या उनको हो गया? तो कहते हाँ, ये आत्म समलम गुणसंग पंकम अस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे। फिर माता देवहूति ने उस ज्ञान को प्राप्त करके, यया माने देवहूत्या, माता देवहूति का संबोधन, आत्मसमलम गुणसंग पंकम, आत्मसमलम समलम माने मन का जो मैल, समल माने मैल, मल विक्षेप आदि,
वो कहां से आया? तो गुण संग पंकम, गुण रूप संसार के पदार्थों में संग रूपी कीचड़। गुण गुण माने सतरजतम प्रकृति के माया के, तो माया के गुणों का विस्तार जो सारा विश्व है प्रपंच है, इसका संग ही गुण संग है, और यह गुण संग ही पंक है, कीचड़ है, मल है। इसी को आत्मसमल को उन्होंने धो डाला, धो लिया अस्मिन विधूय। वह जो आत्मज्ञान कपिल भगवान के द्वारा मिला था, उस आत्मज्ञान के द्वारा इस आत्मसमल कीचड़ को माँ देवहूति ने धो लिया विधूय। और कपिलस्य गतिम प्रपेदे, कपिल भगवान की जो गति है, स्वरूप है, उसको प्राप्त कर लिया। ठीक है, कपिलावतार माँ, कपिल भगवान के अवतार का उल्लेख करते। कर्दमस्य प्रजापतेर गृहे, कर्दम नाम के प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र ही थे, इनके घर में तद भार्यायाम देवहूत्याम यज्ञे, उनकी पत्नी देवहूति माँ से प्रकट हुए। और कहते नव भी स्त्री भीर भगिनी भी सा, नव स्त्री के रूप में बहने थी भगवान की, नव पहले हुई थी, बड़ी थी। सच स्वमात्रे आत्मगतिम ब्रह्म विद्या मुक्तवान, और उन भगवान कपिल ने अपनी माता जी को आत्मगति माने ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान का उपदेश किया है ना। यह आत्मगत्या सा आत्मना समलम मलिनीकरणम, जिस आत्मज्ञान के द्वारा माता देवहूति ने अपने भीतर के समल को मलिनीकरण, गुणसंग रूप पंक को, कीचड़ को, गुणसंग रूपम पंकम अस्मिन नेव जन्मनि, इसी जन्म में, एक ही जन्म में विधूय कपिलस्य गतिम मुक्तिम प्राप्तवती, धो करके कपिल भगवान की गति माने भगवान जैसे नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध हैं, वैसे ही हो गई, मुक्ति प्राप्त हो गई। इसके बाद देखिए, तो देखिए जितने भी अवतार भगवान के वर्णन किए जा रहे हैं उनमें कितनी बड़ी उदारता है। संसार के प्राणियों के प्रति भगवान के हृदय में कितना गहन प्रेम है। अत्रैरपत्यमपि कामभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान सदत्तः, यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्भिमा पुरुभैम यदुभै हयाद्याः। चतुर्थ अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि महर्षि अत्रि पुत्र की इच्छा कर रहे थे, बल्कि उनके मन में था कि हमारे पुत्र भगवान पुत्र बन करके आओ, इसलिए उन्होंने तप किया। अत्रे अपत्यम विकांक्षत आह तुष्टः, तब भगवान ने संतुष्ट होकर के उनकी तपस्या से कहा कि अच्छा हमने तुमको अपने को दे दिया, मया दत्तः अहम्, हमने अपने को ही तुम्हें दे दिया। ऐसा भगवान ने प्रसन्न होकर के अत्रि को कह दिया। यद भगवान सदत्तः, तो भगवान ने जो कह दिया सो कह दिया, इसलिए उनके जब पुत्र बन करके आए तो उनका नाम भी वैसे ही हो गया दत्तात्रेय। दत्त और आत्रेय, आत्रेय के पुत्र होने से आत्रेय, और दत्त माने जिन्होंने अपने अपने को अपने आप ही दिया है, इसलिए दत्त नाम हो गए। अच्छा, ये भगवान का अवतार हो गया दत्तात्रेय का। यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्धिमा पुरुभैम यदुभै हयाद्याः। कहते हैं कि भगवान के इस अवतार का फल प्रयोजन क्या है? यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा, जिन भगवान के चरण कमल के पराग का स्पर्श करके पवित्र देह वाले
पवित्र देह वाले कौन? यदु महाराज यदु और हय वंशी कार्तवीर अर्जुन शास्त्रार्जुन, ये इनके देह पवित्र हो गए, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय के चरण कमलों का इन्होंने सेवन किया भक्ति पूर्वक, और पवित्र देह वाले हो करके मिला क्या? योगर्धिमा पुरुभयिम यदुहै हयाद्याः। योगर्धिम योग से प्राप्त होने वाली रिद्धि सिद्धि, और उभयिम प्राप्त हूं। उभयिम माने वर्तमान लोक में भी और परलोक में भी, इस लोक परलोक दोनों लोकों की सिद्धि प्राप्त कर लिया। टीका, दत्तात्रेयावतार माह, भगवान का दत्तात्रेय के रूप में अवतार कहते हैं। माया अहमेव तुभ्यम दत्ता इति यद्यत आह, भगवान ने अत्रि महर्षि को यही कह दिया था कि मैंने तुमको अपने को दे दिया। ततः सा नामना दत्तो जाता, इसीलिए उसी नाम वाले भगवान दत्त के रूप में प्रकट हुए। स्वभक्तेभ्यो योगैश्वर्य दानम तच्चन्तम च दर्शयति, ऐसे भगवान दत्तात्रेय ने अपने भक्तों को योग का ऐश्वर्य दान किया और वही इनके चरित्र का दर्शन करा रहे हैं। यस्य पाद पंकज पंकजयो परागः, जिन भगवान दत्तात्रेय के चरण कमलों का पराग धूलि रजक कण, उसके द्वारा जिनके देह पवित्र हो गए हैं, तेन पवित्रा देहा ये शांते, भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पा करके जिन यदु हय आदिकों के देह पवित्र हो गए हैं, इसलिए उभयीम ऐहिकीम आमुष्मिकीम चो, दोनों प्रकार की सिद्धि उन्होंने प्राप्त की है ना, ऐहिकी माने श्लोक की और आमुष्मिकी माने परलोक की है ना, भुक्ति मुक्ति रूपाम, श्लोक की सिद्धि क्या है? भुक्ति, और परलोक की भुक्ति है मुक्ति, दोनों को प्राप्त कर लिया। इसके बाद भगवान के पंचम अवतार का उल्लेख करते हैं। शनकादिकों के रूप में भी भगवान अवतरित हुए हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स नारद, तप्तो तप्तम तपो विविध लोक शिशिरक्षया में आदौ सनात स्वतपसा चसा चतुष्सनोभूत, मैंने विविध लोकों की शिशिरक्षा को लेकर के अनेक प्रकार के लोकों को मैं रचूंगा, और उस रचना करने के पहले मैंने तप किया, क्योंकि तप के बल पर रचना का सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो मैंने विविध लोकों की रचना करने की इच्छा से तप किया। तप में क्या हुआ? आदौ सनात स्वतपसः सचतुष्सनोभूत, तब मैंने वह तप सनात, सनात माने भगवान को अर्पण कर दिया। धर्म कर्म सब करके भगवान को अर्पण करो तो बड़ा फल होता है। तो भगवान को अर्पण कर देने से, तप करके भगवान को अर्पण कर देने से भगवान प्रसन्न हो गए, और उस हमारे तपस्या के प्रभाव से सा चतुष्सनोभूत, चार रूपों में वे भगवान प्रकट हो गए। जिन चार रूपों में प्रकट हुए, उन चारों के नाम में सन मौजूद है। तप अर्थ का वाचक बोधक सन मौजूद है। सनोभूत वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों में सन लगा हुआ है। और कहते हैं कि उन्होंने कृत्य क्या किया, तो कृत्य बताने जा रहे हैं। प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्म तत्वम
सम्यक जगाद मुनयो यद चक्षतात्मन। हे नारद जी, प्राक कल्प संप्लव, इसके पहले के का जो कल्प था, उस कल्प का जब संप्लव माने प्रलय हुआ, तो उस प्रलय के साथ में आत्म तत्व का ज्ञान भी नष्ट हो गया। विनष्टम यह आत्म तत्वम, आत्म तत्व किसी को ज्ञान रहा ही नहीं, प्रलय में सब नष्ट हो गया। तब उस आत्म तत्व को इन सनकादि चारों ने सम्यक जगाद मुनयो यद चक्षतात्मन, सम्यक प्रकार से उपदेश किया वर्तमान कल्प, तो नष्ट हुए आत्मज्ञान का उपदेश भगवान ही अवतार लेकर के कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। तो कहते हैं कि अच्छा, उसका फल क्या हुआ, फल भी बता रहे हैं। मुनयो यद चक्षतात्मन, उसका फल ये हुआ कि मुनियों ने जिनको जिनको सनकादिकों ने उपदेश किया आत्म तत्व का, उन सभी ने अपने आत्मा में ही उस आत्म तत्व का दर्शन प्राप्त कर लिया। ये फल है। ठीक है, कुमारावतार महा, चारों कुमारों के रूप में भगवान का अवतार कह रहे हैं। मैं मया आदौ यत् तपस्तप्तम, हे नारद, मैंने आदि में बड़ा तप किया, और तस्मात् स्वतपसः मत तपसो हेतो हो, और तब उस अपने तप को मत तपसो हेतो सा हरिश्चतुष अनुभूत, मेरे तप करने के कारण उसी तप के हेतु से भगवान चार सन वाले कुमार हुए। चारों में सन लगा हुआ, सनत कुमार एक, सनक दो, सनंदन तीन, सनातन चार, इत चत्वारह सन शब्दा नाम नियस सह, चार सन शब्द जिनके नाम में है, नाम नियस सह। कथम भूतात्, तो कहते हैं कि अच्छा, आपके तप करने से ये चार सन शब्द वाले कुमार हो गए, कैसा तप था आपका। तो कहते हैं सनात, सनात माने अखंडितात्, मेरा तप बड़ा अखंडित था, लगातार। अथवा यद्वा स्वतपसा सनात दानात्, अथवा वह तप करके मैंने भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, दान कर दिया, ईश्वर अर्पण कर दिया, समर्पणादित्यर्थ समर्पण कर देने से। कहते हैं सन शब्द, सनात का मतलब समर्पणात्, कैसे संदाने धातु बता रहे हैं, संदाने खा को ना सा हो जाएगा और ना को ना हो जाएगा तो सन बन जाएगा, तो सनुदाने धातु से सन का अर्थ है समर्पण। सच पूर्व कल्पस्य संप्लवे प्रलये, और फिर चार कुमारों के रूप में भगवान अवतार लेकर के, है ना, पूर्व कल्प में जब प्रलय हो गया था तो सब कुछ नष्ट हो गया था। विनष्टम उच्छिन्न तत्संप्रदायम आत्म तत्वम, माने सारे वैदिक संप्रदाय का उच्छेद हो गया, इसलिए आत्म तत्व को भी लोग भूल गए। उस भूले हुए उच्छिन्न हुए सांप्रदायिक तत्व ज्ञान को इहास्मिन कल्पे सम्यक जगाद उक्तवान, सम्यक रूप से उसका उपदेश कर दिया, जरा भी गड़बड़ नहीं हुआ। क्योंकि सांप्रदायिक परंपरा के उपदेश में कुछ भी गड़बड़ हुआ कि खत्म मामला, उसमें ना तो कुछ अपनी ओर से मिलाना चाहिए ना घटाना बढ़ाना चाहिए, ये बिल्कुल उल्टी बात हो जाएगी। तो इसलिए तभी उसका फल होगा, सम्यक्तम दर्शयति,
तो सम्यक माने बिल्कुल वैसे उपदेश किया। हाँ, भगवान के अवतार थे ना, है ना। यद गदित मात्र में यो मुनयः, इसीलिए कहते हैं कि उसका उपदेश करने मात्र से ही मुनि लोग आत्मन आत्मनि मनस अचक्षत साक्षात अपश्यन, उस आत्म तत्व का उनको एक बार कहने मात्र से प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया। ये और भी देखिए, सनकादिकों की महिमा के बारे में वेद स्तुति में श्रीमद् भागवत में ही आया है। वेद स्तुति में जब महाराज ने प्रश्न किया था कि निर्गुण निर्विशेष परमेश्वर का वर्णन श्रुतियां कैसे करती हैं, क्योंकि शब्द जो तो जो है गुणों के अतिरिक्त वर्णन कर ही नहीं सकता, ये प्रश्न है ना वेद स्तुति का आरंभ था। तो उसी का उपक्रम करते हुए आगे भगवान सुखदेव जी ने बताया कि यह जल लोक के तपस्वियों में यह प्रश्न उठाया गया था। नारद जी ने तो भगवान नरनारायण से सुना, किंतु यह प्रसंग जल लोक में संपादकों के बीच में उठा था, और भी ऋषि थे। तो वहां कहा गया है कि कोई एक वक्ता बन जाते थे और बाकी तीन श्रोता बन जाते थे। कभी सनक कुमार वक्ता बन गए तो तीन सनक सनंदन श्रोता बन गए, कभी सनंदन वक्ता बन गए तो वो तीन श्रोता बन गए। क्यों? चारों जो हैं वो तो चारों भगवान के अवतार हैं, तो भगवान के अवतार रूप होने से उनमें कहीं जो है ये नहीं कि हम तो वक्ता ही बनेंगे, श्रोता नहीं बनेंगे। ये है दृष्टि। माने भगवती, इसीलिए देखिए भागवत में दो तीन जगहों पर यह बात कही गई है कि जो भगवान के प्रेमी भक्त जन होते हैं उनमें वैसे ही गुण आ जाते हैं जैसे भगवान में। तो दो तीन जगह पर श्रीमद् भागवत बात कही गई, इसलिए उनको ये नहीं होता कि हम छोटा क्या बने। भगवान भगवत कथा का जहां तक प्रकरण प्रसंग है वहां उसमें श्रोता वक्ता तने तक, क्योंकि जहां भी फल बताया गया है श्रोता को फल वक्ता को फल समान रूप से फल बताया गया। तो ऐसी जो मूलभूत वस्तुएं हैं वे जो है चिंतन करने योग्य हैं। आप देखिए इसके बाद नरनारायण के रूप में भगवान के अवतार का वर्णन करते, धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर इति स्वतप प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नीमावलोकम दिव्यस्तनंग प्रतिमा घटितुं न शेकुः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, धर्म की पत्नी मूर्ति ये कौन थी? दक्ष की पुत्री थी, दक्ष दुहितर, दक्ष की कन्या है मूर्ति, धर्म की पत्नी है, धर्म के साथ विवाह किया था, धर्म को 13 कन्याएं दिया था ना दक्ष ने, तो मूर्ति भी एक पत्नी थी उनकी। तो उनसे नर नारायण भगवान प्रकट हुए, नारायणो नर इति स्वतः प्रभावः। देखिए वहां चार स्वरूप होने पर भी अवतार एक, यहां दो स्वरूप होकर के भी अवतार एक है भगवान का। तो कहते हैं कि नारायण नर इति स्वतः प्रभावः, इन भगवान के अवतार नर नारायण का कितना बड़ा तपस्या का प्रभाव था कि दृष्ट्वात्मनो भगवतो नीमावलोकम दिव्यस्तनंग प्रतना घटितुम न सेतु। आत्मा रूप भगवान के तपस्या के नियमों का नाश करने के लिए आए थे कौन कौन? देवांगनाएं, कामदेव की सेना लेकर के, है ना, धूमधाम के साथ। किंतु नरनारायण भगवान के तप का ऐसा प्रभाव प्रतीत हुआ उनको बिना कुछ किए कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी
तपस्या का नाश करने के लिए कुछ उपद्रव करने की हिम्मत हार गए, घटे तो न फेंको माने तपह नष्ट करने के लिए कोई प्रयोग उन्होंने नहीं किया, पहले ही घबरा गए। टीका, नर नारायण अवतार महा, अब भगवान के नर नारायण अवतार का वर्णन करते। धर्मश्यु पत्न्याम दक्ष दुहितरी, दक्ष की कन्या मूर्ति नाम है, मूर्ति संज्ञाया, ये धर्म की पत्नी है। उनमें नारायण और नर इति मूर्ति द्वय न जाता, दो मूर्तियों के रूप में भगवान का अवतार हुआ। कथम भूत, भगवान का यह अवतार कैसा है? सो असाधारण तपस् प्रभावो यश, जिनका अपना असाधारण तपस् तपस्या का प्रभाव है। प्रभाव को कैसे जाना गया? कहते हैं यश हो तदेवाह अनंगस्य प्रतिमा, कामदेव की सेनाएं अप्सरा आदि देव्यो अप्सरसा भगवत सकाशाद आत्मना स्वप्त रूपा उर्वश्याद्या, भगवान ने स्वयं ही उनको मंत्रमुग्ध करने के लिए उर्वशी को प्रकट कर दिया। तो जब नारायण भगवान ने विघ्न करने के लिए आई हुई अप्सराओं से भी अनंत गुणा सौंदर्य से परिपूर्ण उर्वशी आदि को प्रकट किया, सप्त रूपा, उनको देख करके उनके होश उड़ गए। स्त्री दृष्टा तस् नियमावलोपम व्रत भंगम घटतुम साधयतुम न सेकु, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अरे हम लोगों में सामर्थ्य ऐसा नहीं है, इसलिए नर नारायण के व्रत भंग रूप तप का लोप करने का की हिम्मत नहीं पड़ी। एक व्याख्या तो ये, दूसरी व्याख्या और करते, यद्वा आत्मना स्वस्यो नियमः, अथवा उनका अपना जो नियम, नियम क्या? अब इंद्र ने कहा है तो हमको नष्ट करना है तप इनका, ये तो नियम इनका कामदेव की सेना का, तपो नाशन रूप तस्यावलोपम तत् दृष्ट्वा, उसका अवलोप वहां देख करके भगवत स्तम घटयतु न स्वीकुरीति। अच्छा, रूप तस्यावलोपम तत् दृष्ट्वा माने उस प्रकार के तपो नाश नाश रूप शक्ति का ही अवलोप हो गया। माने जैसे हाथ जकड़ जाए, आया है ना रघुवंश में कि जब भगवान शिव के रुद्र ने शेर का रूप बना करके और नंदिनी को झटका, नंदिनी चिल्लाई, महाराज दिलीप पीछे धनुष बाण लिए हुए थे, देखा जैसे ही लुस्ती गई तुरंत धनुष बाण निकालने लगे तो हाथे रुक गए, और सिंह हंसते हुए मनुष्य की वाणी में बोलने लगे। तो उसी तरह से ये तो तपस्या का नाश करने के लिए गए थे कामदेव आदि, किंतु ये सब बेबस हो गए, असमर्थ हो गए, कुछ नहीं कर सके। दस्तक दशा भगवत स्तम घटयतु न स्वीकुरीति, भगवान नर नारायण के तप नाश का कृत्य करने में सक्षम ही नहीं हुए। एतत् चाख्यानम एकादशे भविष्यति, श्रीधर स्वामी संकेत किए दे रहे हैं, वहां बड़े विस्तार से आख्यान दिया गया है ग्यारहवें स्कंध। फिर कहते हैं दो श्लोक में वर्णन करते हैं, कह रहे हैं देखो, कामम दहन्ति कृतनो ननु रोष दृष्ट्या, रोषम दहंतम उतते न दहंत सह्यम, सोयम यदंतरमलम निविशन विभेति, काम कथम पुनरस्य मनश्रयेत। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, देखो कृति लोग, कृति माने पुण्यात्मा तपस्वी लोग, जैसे भगवान शिव ने काम को जला दिया,
नरस जी ने भी काम पर विजय पाली एक तरह से। तो कामम दहंती कृष्णो धन रोष दृष्टिया, रोष उत्पन्न करके क्रोध करके भगवान शिव ने कामदेव को जला ही दिया था। किंतु रोषम दहंतम उतते न दहंत सह्यम, किंतु क्रोध जब उनको जला रहा था तो क्रोध को नहीं जला पाए। क्रोध जिसमें होता है उसको जलाता है ना, तिल मिला जाता है। तो क्रोध जो उन्हीं को जला रहा था उसको कोई नहीं जला पाया, है ना। क्रोध करने वाले को ही पहले क्रोध जलाता है। अग्नि जहां पैदा होगी ही अपने आश्रय को जलाएगी पहले, तब दूसरे को जलाएगी। तो उसको नहीं जला पाए शिव जी, है ना। क्रोध तो हुआ काम को जलाने के लिए, तो काम ने उन्हीं को जलाया, उसको नहीं जला पाए। किंतु नर नारायण भगवान ने काम क्रोध उत्पन्न ही नहीं होने दिया, बिना क्रोध के ही काम को निष्फल कर दिया, है ना। कहते हैं कामम दहंति कर्तरो धनुरोष दृष्टिया, रोषम दहंत मुचते न दहंत सह्यम। रोष जो उनको जलाता रहता वह तो असह्य होता है। सोयम यदंतरमलम निविषन विभेति, काम कथम न पुनरस्य मनस्येत। किंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, वही क्रोध हो जिस क्रोध को उठा करके काम को तो जला देते हैं, किंतु क्रोध का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। किंतु नर नारायण भगवान में क्रोध आने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सोयम यदंतरमलम निविषन विभेति, वे ये क्रोध रूप अंतरमल यह भगवान नर नारायण में प्रवेश करने से डर रहा था, है ना। फिर काम की क्या गिनती है, काम तो है ना और भी कमजोर है, क्योंकि काम क्रोध के द्वारा नष्ट हो जाता है। किंतु जो क्रोध काम से बलवान है, वह ही भगवान नारायण के भीतर प्रवेश होने में डर रहा था, कांप रहा था। तो काम की क्या औकात है कि वह कुछ प्रयोग कर सके। कथम पुनरस्य मनस्य, तो ऐसे भगवान के मन का आश्रय भला काम कैसे ले सकता है, जब काम का भी प्रबल शत्रु क्रोध डरता है, कांपता है, तो काम की सामर्थ्य कहाँ है। ठीक है, यत्र काम विजयी क्रोधोपि विभेति, जहां पर काम पर विजय करने वाला क्रोध भी नर नारायण भगवान से डरता है, तत्र कामो न प्रभवतीत किम वक्तव्यम, उन भगवान नर नारायण में काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसको तो कहना ही क्या है, है ना। जब काम विजयी क्रोध कुछ नहीं कर पाया तो काम क्या कर पाएगा। काम मिति, है ना, कृतिना श्री रुद्र प्रमुखा, कृति रुद्र प्रमुख भगवान शिव, रोष युक्तया दृष्ट्या कामम दहन्ति, रोष युक्त दृष्टि के द्वारा क्रुद्ध होकर के काम को जला देते हैं। किंतु रोषम स्वात्मानम दहंतम पिते न दहंति, किंतु वह रोष क्रोध उन्हीं के जलाता रहता है, उसको नहीं कुछ कर पाते। ते न दहंति क्रोधे न अभिभूयंत इत्यर्थः, अपितु क्रोध से अभिभूत हो जाते हैं। काम विजय की महिमा तब मानी जाए, क्रोध भी ना आवे, जैसे भगवान नर नारायण को। नु अहो सोयम रोषो यद अंतरम यन मध्यम प्रविशन नलम विभेद, यह कितने आश्चर्य की बात है कि वही यह रोष क्रोध जिन भगवान नर नारायण के भीतर प्रवेश करने से घबराता है, आता ही नहीं है। अथवा यद्वा यस्यांतर मनः, अथवा जिनके अंतर वाला मन कथम भूतम अमलम निर्मलम प्रविशन्निति, वह तो निर्मल अमल होकर के मन मौजूद रहता है,
उस निर्मल मन में क्रोध के प्रवेश की हिम्मत नहीं पड़ती। क्रोध तो असल में ऐसा ही है कि उसी को दबोचता है जो भीतर से कमजोर मन का होता है। अब आगे कहते हैं, विद्या सपत्नी पत्र भी अंतिराग्यो बालोपि सन्नुपगत तपसे बनानी तस्मा अदा ध्रुव गति ग्रणते प्रसन्नो दिव्या स्तुवंति मुनयो यदुपर यधस्तात्। कहते हैं कि विद्या सपत निदित पत्र भिरंति राज्य राज्य माने राजा के समीप उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, सपत्नी माने दूसरी बाता सुरुचि ने बड़े कठोर शब्द कहे कि तुम महाराज की गोदी में तब बैठ पाओगे जब मेरे उदर से जन्म लोगे। प्रसंग सब जानते ही हैं। तो सपत्नी माने विमाता दूसरी माता के द्वारा कहे हुए जो पत्र भी माने बाण जैसे वचन बाण, ऐसे पत्र माने वचन बाण और साक्षात महाराजा उत्तानपाद के सामने ही पास में मौजूद थे। इससे उनको बड़ी पीड़ा पहुंची ध्रुव जी को। यद्यपि थे बिल्कुल बालक अभी, बालों की सन्नुपगत तपसे बनानी माता सुनीति के संकेत से और नारद जी के सदुपदेश को सुन करके वे तप करने के लिए वन में चले गए और वहां पर भगवान ने उनको दर्शन दिया। दर्शन दे करके और क्या किया, तस्मा अदा ध्रुव गतिम गृणते प्रसन्न। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की और भगवान ने उनको ध्रुव गति दे दी प्रसन्न होकर के। दिव्या स्तुवंति मुनयो यदुपर यधस्तात्। उन ध्रुव जी को भगवान ने ऐसा ध्रुव लोक दे दिया कि जिनकी मुनि लोग स्तुति किया करते हैं। यदुपर यधस्तात् ऊपर भृगुवादि मुनि और अधस्तात् नीचे सप्तऋषि, ये जिस ध्रुव लोक की स्तुति किया करते हैं ऐसा लोक भगवान ने दे दिया। ठीक है, चरित्र नयु क्रमप्यवतारम सूचयति। यहाँ पर ध्रुव जी को दर्शन देने वाला जो भगवान का अवतार है उसको चरित्र के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वह तो थोड़े समय के लिए भगवान का अवतार हुआ, उनको वरदान दे करके छिप गया। मातु सपत्न्या उदितान युक्ता उक्तान वाक्यानी। माता की सपत्नी कौन, सुरुचि, सुनीति इनकी सगी माता थी। सुरुचि के कहे हुए कठोर वाक्यों को जो कैसे थे, पत्रणों बाणास बाण की तरह थे, तैर विद्धा ध्रुव उन वचन बाणों से घायल हो गए ध्रुव जी। राज्य उत्तान पदोन्त समीपे तपसे तपस्तप्तुम। और उसी समय महाराज उत्तानपाद के समीप में ही उनको यह वेदना हुई, वहीं से वे तपस्या के लिए वन को चले गए तपस्तप्तुम। और उनको भगवान ने दर्शन दे करके ध्रुव गति दे दिया। ध्रुव गति माने ध्रुव पदम, यत है ना, उनको ध्रुव गति जो दिया कैसा है, याम ऊपर स्थिताम, जो ऊपर स्थित है लोक, अधस्तात स्थिता दिव भवा दिव्या, नीचे दिव्य माने देवलोक में रहने वाले सप्तर्षय स्तुवंती स्तुति किया करते हैं नीचे रहते हुए, ध्रुव लोक ऊपर है। अथवा अथवा दूसरी व्याख्या, ऊपर भृगुवादय न, उनके ऊपर भृगुवादी और नीचे अधस्तात सप्तर्षय, और ये ऋषि लोग जो हैं ध्रुव लोक की भगवत धाम है
उसकी स्तुति किया करते हैं। ऐसा दिव्य लोक धाम दे दिया, यह भगवान का चरित्र के द्वारा व्यक्त किया जाने वाला अवतार है। इसके बाद पुनः यद्वेन मुत पथगतम द्विजवाक्य वज्र, ठीक हो गए ना, द्विजवाक्य वज्र विप्लुष्ट पौरुष भगम निरये पतंतम सात्वार्थितो जगति पुत्र पदम चले भे दुग्धा बसून बसुधा सकला नियेन। पुनः कहते हैं यन वेन मुत्पथ गतम, वेन महाराज अंग के पुत्र थे, चतुर्थ स्कंद में यह लीला आई है। वे उन्मार्ग गामी बन गए, नास्तिक हो गए। तब द्विजवाक के वज्र विप्लुष्ट पौरुष भगम, ऋषियों के वाक्य रूपी वज्र के द्वारा उनका नाश हो गया। क्या क्या नाश हो गया? उनका पुरुष स्वरूप और भग माने जो ऐश्वर्य राजाओं का था, दोनों नष्ट हो गए। और नष्ट ही नहीं हो गया, भगवान की निंदा की ना उन्होंने, चतुर्थ स्कंद प्रसंग है, निंदा करने से नरक गामी होने जा रहे थे। तब तक क्या हुआ कि ऋषियों ने अनुग्रह करके बेन के मृत शरीर का मंथन करके महाराज पृथु को प्रकट कर लिया। तो पृथु महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हो जाने से उनको नरक से छुटकारा मिल गया। प्राप्तार्थ तो जगति पुत्र पदम चले भे, माने जिन भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लेकर के अपने पिता बेन को सात्वा माने बचाया, अर्थ तो जगत द्रुपुत्र पदम चले भी, ऋषियों ने प्रार्थना की थी इसलिए प्रकट हुए। और संसार में बेन के पुत्र पद को प्राप्त हुए, ले भे दुग्धा बसून बसुधा सकला लिये न, जिन भगवान पृथु ने है ना पृथ्वी देवी से सब प्रकार के दुग्ध का दोहन किया, सारे पदार्थ जो हैं उन्होंने प्राप्त कर लिया। तब तक बछड़ा बना बना करके प्रसंग चतुर्थ स्कंद में आएगा, ठीक है। प्रथ अवतार माह, महाराज पशु के अवतार का उल्लेख करते हैं। यद्यदा ऋषि अर्थतः तदा वेनम प्राप्त्वा, ऋषियों ने जब भगवान से प्रार्थना किया तो क्या हुआ, भगवान ने बेन की रक्षा करके बेन के पुत्र का अन्वर्थ नाम धारण कर लिया। पुत्र माने पुम नाम के नरक से जो बचाता उसको पुत्र कहते हैं। तो प्रथु भगवान ने अवतार लेकर के अपने पिता बेन को नरक से बचा लिया। असली पुत्र होना, सार्थक पुत्र होना यही है, उसी कहते हैं अनवर्थम तत् पुत्र पदम नाम ले भे, अनवर्थ नाम हो गया, सही माने में पुत्र हुए। कहते कैसे, पुम नामनो नरकात यस्मात पितरम प्रायते सुतः, पुम नाम के नरक से पिता को पुत्र पार कर किया करता है। शास्त्र कहता है तस्मात पुत्र इति प्रोक्तः स्वयं ही वो स्वयं हुआ। इसीलिए ब्रह्मा जी ने पिता की उस संतान का पुत्र नामकरण किया है। इत ही पुत्र पद व्युत्पत्ति, पुत्र पद की यही व्युत्पत्ति है। कहते हैं कथम भूतम द्विजा नाम साप वाक्यम वज्रम, ये परिस्थिति कैसे आई, ऋषियों का द्विजों का साप वाक्य ही वज्र बन गया। तेन विपुष्टम दग्धम, उस साप वज्र से है ना बेन का दग्ध हो गया। पौरुषम भगम ऐश्वर्यम च, पौरुष शरीर और भग ऐश्वर्य राजा थे, वह भी ऐश्वर्य भी अश्वतम नष्ट हो गया। और तब ऋषियों के द्वारा मंथन करने पर भगवान पृथु प्रकट हुए। चरित्रांतर माह,
है ना। दूसरा चरित्र बताते हैं, ये नुच जगत ही जगदर्थे बहूनी अन्नादि द्रव्याणि दुग्धा, इन्हीं भगवान पृथु ने अपने बेन पिता की रक्षा की नरक से या तो किया ही और भी लोक कल्याण के लिए पृथ्वी देवी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन भी किया। ऋषभावतार माह, इसके बाद जो है भगवान के ऋषभ अवतार का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, नाधे रसाद्रसभ आस सुदे विशूनुल यो वै चचार समृग जनयोग चर्याम यत्पार महंस मृषयः पद्मा मनंती स्वस्थः प्रशांत कर्णः परिमुक्त संगः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, नाभि पिता से ये भगवान ऋषभ के रूप में प्रकट हुए, सुदेवी इनकी माता का नाम था सुदेवी सुनु, यो वही चकार, ये तो भगवान का नाभि और सुदेवी माता से ऋषभ के रूप में भगवान अवतरित हुए। भगवान ने कार्य क्या किया, यो वही चकार समग्र जनयोग चर्याम। देखिए ऋषभ भगवान ने पंचम स्कंध प्रसंग आगे आएगा कि उन्होंने यह अवतार क्यों लिया, चतुर्थ आश्रमी को कैसे जो है जीवन यापन करना चाहिए। उन्होंने चतुर्थ आश्रमियों के आदर्श जीवन का लोक संग्रह के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अवतार लिया था। समग्र जड योग चर्याम, समान दृष्टि और जड के समान योग चर्या उन्होंने अपनाई। समान दृष्टि, जड माने पागल अंजान के समान योग चर्या वाली वृत्ति अपनाई। कहते हैं कि ये क्यों अपनाई, कहते हैं बताते हैं, यत् पारमहंस मृषयः पद्मा मनंती, उसी को ऋषि लोग पारमहंस पद कहते हैं। पारमहंस पद को प्राप्त करने वाले चतुर्थाश्र में जो हैं, उनको इसी प्रकार की योगचर्या स्वीकार करनी चाहिए। स्वस्थ प्रशांत करना परिमुक्त संगः, वे केवल स्व माने आत्मा में स्थित रहने वाले होते हैं। प्रशांत करना, चौदहों भीतर बाहर के कण उनके शांत रहते हैं, कोई उपद्रव नहीं, कोई खटापट नहीं। परिमुक्त संग्रह, और सब प्रकार के संग से वे मुक्त होते हैं। ठीक है, ऋषभावतार माह असौ हरिर नाभे आग्निर्ध पुत्रात् सुदेव्याः सूनुराश, है ना। ये भगवान श्री हरि नाभि, नाभि का परिचय देते हैं, आग्निर्ध के पुत्र थे नाभि, आग्निर्ध के पुत्र नाभि थे। नाभि से सुदेवी नाम की पत्नी से भगवान का अवतार हुआ ऋषभ नाम से। नाधेर भार्याया मेर देव्या एव सुदेवी इत्यपि संज्ञा, नाभि की पत्नी जो सुदेवी कही गई है उन्हीं का दूसरा नाम मेरु देवी भी था। मेरु देवी और सुदेवी दोनों नाम उन्हीं के थे। ये भगवान ऋषभ देव की माँ है, इन्हीं से भगवान ऋषभ देव प्रकट हुए और उन्होंने जदवद योगेन नित्य समाधिना चर्याम, जद के समान योग का आश्रय लेकर के नित्य समाधि, माने समाधि नहीं दो घंटे चार घंटे की, अहर्नि समाधि ही समाधि। उनके वर्णन में आया है, कर्नाटक के जंगलों में जा रहे थे, घूम रहे थे, मुख में जो है उन्होंने पत्थर का टुकड़ा रख रखा था, वहीं दावाग्नि लग गई। उनको पता ही नहीं कि जो है शरीर जा रहा है और इधर आग लगी हुई है। शरीर जिधर जा रहा था चला गया, तो काल वेग से जा गया,
वहीं पर सही उनका बदवाग्नि में जल गया, ये है ना। यदि याम नित्य समाधि न, नित्य समाधि थी ये चर्या है। यदि याम तत्र हेतु समगत, कहते हैं कि यह समाधि कब लगती है, उसका कारण क्या है, समान दृष्टि हो। भागवत में आया है 11वें स्कंध में दो जगहों पर कि तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर और चाहे उच्च कोटि का भगवत प्रेम प्राप्त हो जाने पर, द्रव्य ज्ञान क्रिया ये तीनों प्रकार का भ्रम रहता ही नहीं है। द्रव्य माने पंचभूत, और पंचभूत के अलावा है क्या संसार में, सब कुछ पंचभूतों से बना हुआ है ना। बगीचा, पहाड़, नदी, सब पंचभौतिक जीव प्राणी शरीर सब, तो द्रव्य है ना। और ज्ञान माने यह है, और यह पेड़ है, यह पशु है, यह पक्षी, यह ज्ञान होता रहता है ना सब। और क्रिया है ना, जब द्रव्य रहेगा, ज्ञान रहेगा, क्रिया रहेगी, क्रिया रहेगी तो उसको पकड़ो, उसको छोड़ो, ग्रहण करो, जाने दो, आने दो, जाने दो, क्रिया। ये तीनों भ्रम रूप हैं, ये तीनों प्रकार का भ्रम रहता ही नहीं है, रही नहीं जाता। ये है नित्य समाधि, ये समाधि ही भगवान के सबदेव को लगी हुई थी। 11वें स्कंध में दो तीन जगह पर ये भगवान के स्वयं मुखारविंद से उपदेश किया गया। तो वही कह रहे हैं कि तत्र हेतु समदृक समान दृष्टि है, उनको द्रव्य ज्ञान क्रिया का कोई भाने नहीं। तत्रात हेतु स्वस्था समृत क्यों से क्यों क्यों हो गए, कैसे हो गए, स्वस्था स्वस्वरूप स्थित। देखिए स्वरूप की स्थिति जब विचलित होती है तब संसार भासता है। स्वरूप में तो कुछ होता ही नहीं, स्वरूप में स्थिति रहने पर कुछ नहीं होता, तो उनमें समृत क्यों हुए, क्योंकि स्वरूप में स्थिति थी। तो स्वरूप में स्थिति क्यों हो गई, स्वरूप में स्थिति कब होती, यतः प्रशांत इंद्रियः, क्योंकि उनकी इंद्रियां प्रशांत हो चुकी थी। तत्वतः इंद्रियों की प्रशांति कहां से हुई, यतः परितो मुक्त संगः, क्योंकि चारों ओर संसार और संसार के पदार्थों में कहीं संग उनका था ही नहीं, इसलिए वह अवस्था सहज समाधि की बनती है। यही आज रहने दीजिए, फिर कल बाकी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।